ये कह रहा था पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। अच्छा ये ब्लैक बॉडी क्या है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ रखे होंगे, उनको लगा होगा इस सिलेबस में। ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि वो मतलब एक अच्छा एब्जर्वर और एक अच्छा इमिटर होता है, मतलब हीट को अच्छा रेडिएट करता है, हीट को मतलब मैक्सिमम चांस है, 100% तो किसी को नहीं कह सकते, लेकिन ब्लैक बॉडी को ऐसा माना गया है कि वो 100% हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझे कि नहीं। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, इसके पैटर्न को स्लोली बताने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज पी, ठीक है, एंड इट रेडिएट्स द मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ लैम्डा नॉट इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी नाउ इज चेंज टू बी इट्स रेडिएशन मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ 3/4 लैम्डा नॉट द पावर रेडिएटेड बिकम्स एनपी द वैल्यू ऑफ एनएच। मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें बस इतना सा बात बोल रहा है कि रेडिएशन का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी बॉडी को यहां रख देंगे, हॉट बॉडी को, तो इसमें हीट जो होगा रेडिएट होगा। मेरी बात से सहमत हो, जब हीट हमारा क्या होगा रेडिएट होगा, तो उसके बारे में पूछ लिया। तो जब हीट रेडिएशन इससे निकलेगा हमारा, तो इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा कि नहीं जी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना निकलता है इसके टर्म में दिया है। तो इसमें जब हीट रेडिएशन होता है तो लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी इक्वल टू बी होता है, इसको बोलते हैं ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझे, इसमें जो रेडिएशन होगा, जो हीट रेडिएशन होता है, क्यू जो होता है ये होता है सिग्मा ए ई टी की पावर 4। यहीं पे मैं सारी चीजें बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ये ई इमिसिविटी है ब्लैक बॉडी के लिए, अक्सर जो मैं अभी फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन उसी से लग जाएंगे। ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यहां टाइम भी रहेगा, ठीक है। टी को इधर डिवाइड कर दिए, क्यू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, हो जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4 हो जाएगा। इसको हम नॉर्मली, ये क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर बोलते हैं, पावर, इसे पावर भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझे, तो ये जो सिग्मा होता है इसको बोलते हैं स्टेफेंस लॉ। एक हमको कॉन्सेप्ट रेडिएशन में दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक हो जा रहा है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज हो रहा, एक हमारा स्टेफेंस लॉ यूज हो रहा है। मेरी बात समझे, इसको विंस कांस्टेंट बोलते हैं, इसे स्टेफेन कांस्टेंट बोलते हैं, बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, दोनों नोट कर लेना है आपको। इसको मैं बोल रहा हूं स्टेफेंस लॉ, फिलहाल ये बड़ा वाला का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहां से समझ में आ जाएगा, एक की भी हो सकता कभी कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिलहाल जो नोट कर रहा हूं जरूर कर लीजिएगा। तो ये पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होता है। अक्सर इन कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन बनता है, और ये सिलेबस में मेंशन डायरेक्टली न्यूमेरिकल से नहीं किया, सिर्फ हेडिंग लिख दिया है, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन। जब भी हीट रेडिएट होगा तो कितना पावर रेडिएट होगा, और रेडिएट होगा तो उसकी मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ होती है, ये नॉर्मल दो लॉ से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है भैया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आसानी से कर देंगे। इसमें दो सिचुएशन कंसिडर किया है, क्या पहले कह रहा जब मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, मेरी बात समझी, तब आप टेम्परेचर को क्या मान सकते हैं T1, या मैं यहां से आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये हमारा क्या होता है B जो होता है कॉन्स्टेंट होता है। तो ये पता है लैम्डा m का मतलब मैक्सिमम है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2 भी लिख सकते हैं। मेरी बात से सहमत हो, तो इसे गिवेन करके लिख सकते हैं इस तरीके से, गिवेन इस तरीके के, लैम्डा 1 क्या है हमारा लैम्डा नॉट है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 मान सकते हैं, यहाँ पर जो रेडिएटेड पावर है उसे P मान लीजिए। दूसरा लैम्डा 2 हमारा कितना है 3 लैम्डा नॉट बाई 4 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 मान सकते हैं, यहाँ पर रेडिएटेड पावर क्या हो गया है NP हो गया है। तो इस क्वेश्चन में N की वैल्यू सिंपली पूछ रहा है, सिंपल सी बात। इससे जब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे P2 डिवाइडेड बाई P1 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 की पावर 4, ऐसा हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। मेरी बात से सहमत हो, तो इस तरीके का फॉर्मूला बनाएंगे, तो T2 और T1 इसमें दिया नहीं है, यानी उसको हमें इस मेथड से निकालना होगा, कैसे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। तो करिए लेमडा 1 T1 इक्वल टू लेमडा 2 T2, लेमडा 1 क्या लेना, लेमडा नॉट, ये T1 रहने दीजिए,
ये है थ्री थ्री लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई फोर इंटू टी टू, लेमडा नॉट से लेमडा नॉट कट गया फोर, ये सॉल्व करोगे टी टू टी वन को इधर ले आओ और बाकी इधर ले आओ, इसे लिख सकते हो टी टू डिवाइडेड बाई टी वन इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री। सिंपल सी बात, सिंपली ये टी टू अपॉन टी वन की वैल्यू रख दीजिए फोर डिवाइडेड बाई थ्री की पावर फोर। अब इसको करना क्या है, फोर इंटू फोर इंटू फोर चार बार करना है, इसीलिए मैंने कहा था याद रखना थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, नॉर्मल मल्टीप्लाई है, बेसिक है, इसको इग्नोर करके जाना मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं है, अगर पूछा जाएगा तो आप फंस सकते हैं। अच्छा मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है स्लोली और सिस्टमेटिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी चैप्टर में हमें लगता थोड़ा टाइम लगेगा, थर्मोडायनेमिक्स हो सकता है उसमें भी ज्यादा एफर्ट आपको ना लगाना पड़े, दूसरी ऑसिलेशंस और वेव में भी और काइनेटिक थ्योरी उसमें ज्यादा नहीं लगे, ये थोड़ा सा इसलिए स्लोली है कि आपने इसे बहुत लोग इसे पढ़ ही नहीं रखे हैं, ये मान के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इंटर रिलेट करके कभी उथल पुथल हो जाना है, जो क्वेश्चन कभी नहीं आता वैसे भी क्वेश्चन आ जाते, और आप हमसे कर रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फुल मार्क्स लाने का पूरा प्रयास करोगे, है ना जी। ठीक है तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब ऐसा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है कि सर मल्टीप्लाई कब तक करें, थ्री बाई फोर तो होगा नहीं, फोर बाई थ्री तो होगा नहीं, थ्री नीचे है 81 तो ऊपर हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन सीधे करेक्ट, आप कर लेना मल्टीप्लाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट।